जैसे जैसे रुक्मणी ने पत्र लिखा है ब्राह्मण को दे दिया और एक बात कही ब्राह्मण देव, हो सके तो श्याम सुंदर को अपने साथ में ही लेके आ। ब्राह्मण रुक्मणी के पत्र को लेके वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन इनके ऊपर बुढ़ापा था, पैदल चला नहीं जाता। एक कवि ये कहते हैं, बुढ़ापे में चाहे कितना भी सुख हो लेकिन सुख नहीं होता। बाबा तुलसीदास जी ये कहते हैं कि पहला सुख तो वही है जो शरीर स्वस्थ है, शरीर निरोगी है, शरीर में कोई रोग नहीं। धन दौलत ये तो दूसरा सुख है। चार पग पीछे लगे होते हैं, बचपन जवानी बुढ़ापा और मौत। लेकिन बचपन आता है छोड़ जाता है, जवानी आती है वो भी छोड़ जाती है, बुढ़ापा और मौत ये ऐसे हैं वो आते हैं तो छोड़ के नहीं जाते। लेकिन ये आपको भूलने वाले नहीं। हाँ, तो जब बुढ़ापे से बचने के लिए लोग काम ना करते हैं, सब कुछ करते हैं। बाल अगर सफेद भाई कोई बात ना है, भाग के गए करिया करवाया है। नजरों से अगर कम दिखाई पड़ने लगा, भाग के गए नजर बाद चश्मा बनवाया है। सीसा में मौते को चश्मा लगाओ, बोले पहले से अब कुछ ज्यादा अच्छो दिखाई दे। तो दांत अगर उखड़ गए, भाग के गए डॉक्टर की दुकान, अब दूसरे लगवा लाए। रोटी खाई तो निकाल के धल रहे, बाद में फिर तैयार। लेकिन फिर भी बच नहीं पाते। हाँ, जो सुख बचपन में था वो दोबारा कभी लौट के नहीं आया। वो बचपन कब बीत गया जान ही नहीं पाए। वैसे हमने एक पुस्तक में ये पढ़ा है, जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दें। जिन बुजुर्गों को ज्यादा दिन जीने की इच्छा हो वो बच्चों में खेलना शुरू कर दें। बच्चे तो बच्चे होते, बच्चे बड़े अच्छे होते, मन के बड़े सच्चे होते हैं। वो बच्चे किसी के भी देख लो सबके अच्छे होते। सबसे गंदा जानवर देखा बच्चे देखे थे। ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था, पैदल नहीं चला जाता। क्या देखा सामने एक बगिया है, तो मन ही मन में एक बात सोची ब्राह्मण ने, क्या तो पैदल नहीं चला गया तो सोचा कि तुम पारी ब्रह्म
ब्राह्मण ने आसन लगाया, ब्राह्मण सो श्याम ने देखा कि ब्राह्मण तो हमारे पत्र को लेके आए रहे।